दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं द्रव्रत राय पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, आज का वीडियो रॉयल क्यू के बारे में है। काफ़ी टाइम के बाद मैं रॉयल क्यू का वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा ऑलरेडी वीडियोस मैंने रॉयल क्यू के रिगार्डिंग दिया है, जिसमें किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है, कितना क्या प्रॉफिट जनरेट करता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है महीने में, और प्रीवियस जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा रॉयल क्यू के साथ, वो सारा का सारा कुछ मैंने जो है अपने YouTube चैनल पे डाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में क्या होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, $7,000 का एक अकाउंट है। लास्ट जब मैंने रॉयल क्यू का रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, तब मैंने एक नया अकाउंट बनाया था जहाँ पे $7,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट जो है किसी कंपनी को हमने नहीं दिया था, ये अपना खुद का ही बाइनेंस अकाउंट पे हमारा फंड पड़ा हुआ है। और उसके ऊपर कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर एक महीने की बात किया जाए तो लगभग 10-15 दिन हुआ है जो मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया है। हालांकि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो काफ़ी अच्छा बूम पे है, लेकिन ऑल्ट्स कॉइन का हालत जो है उतना अच्छा अभी पंप नहीं किया है। तो जो भी हो, आज से 15-20 दिन पहले जो है मार्केट थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अभी रिसेंटली मार्केट थोड़ा सा अच्छा है। तो ये ख़राब और अच्छे जो दोनों मूवमेंट गया या दोनों सिचुएशन गया, उस सिचुएशन में मेरा कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ आज का डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मेरा अकाउंट है जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं अपना जो है बाइनेंस अकाउंट आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेरा बाइनेंस अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7200 समथिंग जो है बैलेंस है। यहाँ पे क्या होता है ना, मैं कुछ डिपॉजिट करता रहता हूँ या विड्रॉल्स करता रहता हूँ। तो मेरा अप्रोक्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रॉयल क्यू रिगार्डिंग, 7000 के आसपास जो है मेरा जो है USDT पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये जो है मेरा कुछ कॉइन्स है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद है 15 कॉइन के ऊपर मेरा ट्रेड चल रहा है, या 15 कॉइन यहाँ पे सेम टू सेम कोई मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। इवन 2-3 दिन बाद भी मैंने साइट मतलब इससे एप्लीकेशन को ओपन किया है, कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं किया है। QQ में मेरा सर्कल में जो है स्ट्रेटेजी चल रहा है, सेम थिंग कोई भी मैंने यहाँ पे मतलब जो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब गया तब भी मैंने इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, मार्केट अभी थोड़ा सा अच्छा है फिर भी मैंने यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया। तो आप देख सकते हो 15 कॉइन सेम टू सेम 15 कॉइन यहाँ पे ही है। और जो मेरा फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया $900 जो है मेरा फ्लोटिंग लॉस चल रहा था। उस वीडियो बनाने के कुछ दिन बाद जो $1,500 का भी जो है मेरा फ्लोटिंग लॉस चला। बट अभी अगर फ्लोटिंग लॉस आप कैलकुलेट करेंगे, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया हूं, तो $600 का जो है फ्लोटिंग लॉस है दोस्तों। अभी मैं आपका जो कमीशन वगैरह बनता है, उस कमीशन वगैरह के बारे में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे सेल्फ जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो ट्रेडिंग चल रहा है दिन रात, उसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वही सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आपको पता है रेवेन्यू में जाने के बाद जो है यहाँ पे दिखाता है, देखिए $888 जो है मेरा बन चुका है अभी कितने दिनों में, ये देखिए। क्योंकि पूजा चल रहा था तो वीडियो मैं राइट टाइम पे बना नहीं पाया। यहाँ पे अब मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, 9-12 को जो है मैंने ये अकाउंट ओपन किया था। अभी आप ऊपर में देख सकते हो 10-15, मतलब एक महीना 2-3 दिन ही हुआ है। तो अप्रोक्स आप मान सकते हो कि $800 के आसपास जो है मेरा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10-14 को $40 हुआ था, आज $32 ऑलरेडी हुआ है। तो ये 2-3 दिनों का अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दे तो $800 का प्रॉफिट जो है दोस्तों मेरे को रॉयल क्यू ने ट्रेड करके जेनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे जो है मैं कैलकुलेटर है, वीडियो को ना पूरा देखा कीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करे। हो सकता है कि आप ज्वाइन करने जा रहे हो रॉयल क्यू में, बहुत सारे डिसीजन लेने में आपको जो है मदद करेगा कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा जो है अपने वीडियोस में क्लियर करता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि $800 का जो मेरा प्रॉफिट बना है अभी, $800 आप लोगों को पता है जो भी प्रॉफिट यहां पे होता है 80-20 होता है, मतलब 80 आपका 20 जो है रॉयल क्यू का जो लेते हैं। 100% ही मेरा बाइनेंस पे 100% मेरा प्रॉफिट गया है, और जो 20% होता है वो एप्लीकेशन से काटता है, ठीक है। तो $800 है उसका 20% कर दीजिए आप डिवाइडेड बाई 100, तो $160 तो जो रॉयल क्यू ले लेता है, ठीक है। तो दैट मीन्स $800 से मैं अगर माइनस करूँ $160, तो मेरा नेट जो प्रॉफिट हुआ है $7,000 के ऊपर वो हुआ है $640। अभी मैं $7,000 मैं कैलकुलेट करूंगा इनटू 9 डिवाइडेड बाई 100, तो आप देख सकते हो कि $630 होता है। दैट मीन्स 9% मंथली इस महीने मेरे को जो टोटल मेरा फंड है बाइनांस के ऊपर, उसके ऊपर तो पूरा महीने में मुझे जो है 9% इनकम दिया है। जैसे मैं इस रॉयल क्यू को प्रमोट करना स्टार्ट किया था आज से लगभग 5 महीने पहले, तब भी मैंने
इस प्रोग्राम के बारे में यही बताया था कि 10-15% प्रॉफिट आपको मिल जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेते हो। जो नॉर्मली ट्रेड सेटिंग्स वगैरह होता है उससे 10-15% जो है एवरेज निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट ये जो मंथ है उसके आखिर मंथ में मेरा 15% का प्रॉफिट हुआ था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में शो किया था। अभी जो मुद्दे की बात आता है कि काफ़ी लोग देखिए, ये प्रॉफिट मैंने क्लियर कर दिया कि भाई इतना ही आया है, इतना डेट में मैंने स्टार्ट किया था सारा का सारा कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाने के लिए और कुछ है नहीं क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट मेरा बाइनांस अकाउंट में पड़ा हुआ है जो कि मैं कभी भी विड्रॉल कर सकूं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, हो सकता है कि आपको लगे कि भाई $7,000 यहाँ पे लगा के ठीक है मुझे जो है डेली $25, $30, $40, $15, लेकिन एक चीज़ आपने देखे होंगे, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मार्केट खराब से और ख़राब था फिर भी मुझे प्रॉफिट ही आया। ठीक है, फ्लोटिंग लॉस चलता है, ये मैं बताऊंगा आपको फ्लोटिंग लॉस किस तरीके से आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हो। देखिए, मैं इस तरीके से सोचता हूँ क्योंकि रॉयल क्यू बेसिकली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को ऑनलाइन जो लाइफ जो करियर है मेरा लगभग 5-6 साल में, इतना अच्छा ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम मैंने कभी किया नहीं मुझे मिला भी। ठीक है, तो मेरे को जो 9-10% प्रॉफिट मुझे क्यों सेटिस्फाइड करता है ये पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कुछ बिजनेस भी चलता है जहाँ पे बहुत लाखों का रुपया जो है इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, और मैं कभी कभार देखता हूँ, मैं एक्चुअली मैं उस टाइप का मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ अपने यूट्यूब पे जो मेरा पर्सनल बिजनेस के बारे में, उतना ज़्यादा खुल के नहीं बताता हूँ कितना प्रॉफिट कितना लॉस, बट इतना तो मैं 100% कह सकता हूँ जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है ऑफलाइन बिजनेस के अंदर, 10% तो छोड़ दीजिए, 5% भी रिटर्न नहीं देता है। उसके बाद बहुत सारा मतलब आपको देखना पड़ता है, जाना पड़ता है, और यहाँ पे मैं सेटिस्फाई क्यों, मेरा पैसा मेरा अकाउंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई हेडेक नहीं है। अगर मैं इस जो $7,000 होता है जो कि 5-5.5 लाख रुपया INR में होता है, ये अगर मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, कोई ऑफलाइन में कोई नया बिजनेस में स्टार्ट करूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि उसमें मुझे टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, स्टाफ लगना पड़ेगा, तो सब कुछ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो महीने का 50,000 भी मुझे इनकम नहीं होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा बिजनेस ऑफलाइन में ट्राई कर चुका हूँ जहाँ पे मैं काफ़ी फेल भी हो चुका हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट मेरा अच्छा चला भी है। तो 10-9% जो कि एक अच्छा रिटर्न है तभी जब आपका फंड अच्छा हो, अगर आपका फंड बड़ा होगा तो वो प्रॉफिट आपको दिखेगा, लेकिन अगर आपका जो पोर्टफोलियो ही है वही $400-500-600 का है तो वो प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं फ्लोटिंग लॉस के बारे में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई फ्लोटिंग लॉस तो यहाँ पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि $650 का मुझे प्रॉफिट आया, लेकिन जो फ्लोटिंग लॉस है ये तो $600 का है, दैट मीन्स देखा जाए तो मेरे इस महीने का जो इनकम है वो $50 है। कितना? $7,000 लगा के $50 मेरा इनकम। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, फ्लोटिंग लॉस एक इंस्टेंट लॉस है जो कि मार्केट जब रिकवर होगा तब आपको जो है वो रिकवर करके आराम से देगा। तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो, अगर मान के चलो आपने 5 लाख या 5.5 लाख का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे फंड के ऊपर, अगर मैं कोई ऑफलाइन बिजनेस में लगाता हूँ या कोई शॉप डालता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो सबसे पहली बात वो मेरा जो पैसा है वो फंसा रहेगा। अगर मैं उस चीज को सेल भी कर दूँ तो आधा प्राइस, तो इनकेस जो लिक्विडिटी होता है हमारा, वो जो भी हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं वहाँ पे आप जो है पूरा पैसा उठा नहीं सकते हो, क्योंकि बिजनेस पे आप जब पैसा लगाए हो तो वो लग चुका है, वो पूरा पैसा आपका रिफंड नहीं आ सकता है। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे देखिएगा, मतलब $7,000 में सिर्फ और सिर्फ 500-600 या $1,000 फ्लोटिंग लॉस, ये कोई मामूली सी बात है। पूरा फंड तो मेरा, बाकी का फंड तो मेरा बाइनांस अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी लिक्विड। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए, अभी पता नहीं कितने लोगों को ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा कि भाई इतना कम अमाउंट जो है 10%, 8%, 9%, 5% या 15% महीने का, कितना सेटिस्फाई आपको करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे तरीके से सोचते हैं, जो बिजनेस माइंड है और जो सिर्फ हम नेटवर्किंग दुनिया को छोड़कर ऑफलाइन में भी काफ़ी ट्राई किए होंगे या इनका ऑफलाइन में बिजनेस है या कोई शॉप है या कुछ भी है, तो वो लोग जानते हैं कि जो ये 8%, 9% या 10% जो प्रॉफिट है ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। हाँ डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करता है कि क्रिप्टो को आप कितना अंडरस्टैंड करते हो। अगर आपको आप क्रिप्टो में हो काफ़ी सालों से या कुछ एक्सपीरियंस है आपके क्रिप्टो के बारे में कि हाँ ये मार्केट है, ऐसा नहीं है कि आपको 9% जो मैंने आपको दिखाया कि नेक्स्ट महीने 9% ही आएगा, हो सकता है 5% आए, हो सकता है नेक्स्ट महीने में मुझे 20% आ सकता है, क्योंकि ये मार्केट है। तो वो बेसिकली आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये एक बाजार है, मार्केट जो है कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है,
तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा। माफ करूंगा वीडियो को, क्योंकि काफी सारा वीडियोस मैं इसके ऊपर बनाया हूँ और इसके ऊपर जूम वगैरह भी चलता है। बहुत ही जेन्युइन अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर बात करेंगे, अगर आपका फंड $200-$300 है तो मेरा रिक्वेस्ट जो मेरा व्यूअर्स है मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा जितना भी ऑडियंस है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास $200-$300 है तो कभी भी आप, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से रॉयल क्यू आपके लिए है नहीं। क्योंकि सबसे पहले आपको $150 देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप $150-$200 से आएंगे, आप एक ही कॉइन के ऊपर ट्रेड कर पाएंगे, रेगुलर आपको प्रॉफिट नहीं आएगा और ना ही मजा आएगा। देखिए मजा तभी आता है जब कुछ पैसा आए, चाहे ज़्यादा आए चाहे कम आए, लेकिन पैसा डेली आना चाहिए। और मेरे साथ ऐसे काफ़ी अकाउंट्स हैं जो कि उन लोगों का 200-400 का अकाउंट है, उन लोगों को मज़ा नहीं आता। तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो लोग कोशिश करिए अपने अकाउंट में फ़ंड ऐड करने की, मतलब अपने बाइनांस अकाउंट पे फ़ंड रखो और कुछ कॉइन के ऊपर ट्रेड करो। जैसे कि मैं अभी QQ सर्किल यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको ही यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे 9-10% मुझे सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। और बस इतना ही ध्यान रखिएगा, कम फंड में ना कभी भी ट्रेड में मज़ा नहीं आता। चाहे दुनिया में बहुत सारे लोग रॉयल क्यू कर रहे हैं, आपको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरा काफ़ी सारा वीडियोस में यही चीज़ देखेंगे, मैंने यही कहा है कि कम फंड में आप मत आओ, आपको मज़ा नहीं आएगा। $150 मतलब जो आपने पे किया है बोर्ड के लिए, वो आने में ही काफ़ी महीना आपको लग जाएगा। इन लोगों के पास अच्छा फंड है, वो लोग चाहे किसी को ना रेफर करके, क्योंकि मैं रेफर की बात इस वीडियो में मैंने बात ही नहीं किया, ठीक है, किसी को रेफर ना करके आप एक हैंडसम सेटिस्फाइड इनकम आप कर सकते हो, जिसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया। टोटल लिक्विडिटी आपके अकाउंट में रहता है, टोटल फंड आपके अकाउंट में रहता है, पूरा फंड जो है फंसा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि आप किसी कंपनी को, किसी मैनेजमेंट को कहीं पे आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो बाइनांस में। आप कहाँ पे रख रहे हो? बाइनांस पे। बट आपका जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि थोड़ा जो मेरा ये कोशिश है आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी मिलते हैं कुछ अपडेट्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। बहुत जल्दी हम जो है 50,000 सब्सक्राइबर पूरा होने जा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। काफ़ी दूर तक हमने ये जर्नी तय किया है। और लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा भाई को कि कुछ अच्छा कॉन्टेंट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।